हेलो फ्रेंड्स वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल आज की वीडियो में हम एक प्यारा सा लटकन बनाना सीखेंगे ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना मैं इसको गोल गोल सा घुमा के खेल रही हूँ ये बहुत ही सुंदर है अंदर से भी बहुत ही प्यारा लग रहा है और बाहर से भी बहुत ही प्यारा लग रहा है तो चलिए बिना देर करते हुए इसको बनाना सीखते हैं आप भी मेरे साथ सीखिए तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं इसे बनाने के लिए हमें मैन फैब्रिक और अस्तर दोनों की ज़रूरत पड़ेगी या तो हम मैन फैब्रिक को भी डबल डबल ले सकते हैं मैं यहाँ पे एक स्क्वायर निकाल रही हूँ जिसका जो साइड है वो फोर पॉइंट फाइव इंच होना चाहिए चारों साइड से तो मैं यहाँ पे बीच से फोल्ड कर ली हूँ इस तरीके से हमारा एक साथ में दो स्क्वायर कट के निकल जाएगा देखिए मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ चारों साइड से फोर पॉइंट फाइव इंच का और इसको कट करके निकाल लेंगे ये लटकन बनाना काफ़ी आसान है आप बस वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से देखते जाइए आप इसको जरूर से सीख जाएंगे तो चलिए जब तक मैं इसको कट कर रही हूँ आप कमेंट में बताइए आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है और आप किस तरह के वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो मैं कोशिश करूँगी आपके पसंद की वीडियो लाऊँ देखिए मैंने यहाँ पे दो फैब्रिक से स्क्वायर निकाला और दो अस्तर से स्क्वायर निकाला और फैब्रिक को उल्टा रख के उसपे अस्तर को रख लेंगे फिर इसको बीच में पिन से सिक्योर कर लेंगे फिर चारों साइड से पॉइंट फाइव इंच का मार्जिन छोड़ते हुए उस पर सिलाई चलाना है यानी स्क्वायर में हमें सिलाई भी चलाकर इसको सिक्योर कर लेना है आप बस ध्यान से देखते जाइए ये देखते ही देखते बनकर रेडी हो जाएगा हमारा तो इस तरीके से हमने चारों साइड से सिलाई लगा लिया है अब क्या करेंगे हम साइड का जो कॉर्नर है उसको कट करके सबसे पहले निकालेंगे क्योंकि अभी हमें ना इसे पलटना है और कॉर्नर पे अगर हमारा कपड़ा रहेगा तो पलटने में वो हमारा फिनिशिंग अच्छा नहीं आएगा फिर चारों साइड से जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको निकाल लिया फिर बीच से अस्तर में एक कटिंग लगाएंगे फिर उसी कट से हमें चारों साइड से ध्यान से हमें जो है कपड़े को पूरी तरीके से पलटना है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसको काफ़ी ध्यान से करना देखिए मैं आराम आराम से कर रही हूँ ये वीडियो थोड़ा फास्ट की हूँ इसलिए वरना इसको करने में थोड़ा टाइम लग सकता है पूरे कपड़े को पलट देना है तो देखिए ये पलटने के बाद चारों कॉर्नर को भी अच्छी तरीके से निकालना है आप सीजर की सहायता से इसको निकाल सकते हैं या फिर कोई भी नुकीली चीज की सहायता से इसको निकाल लें इसको निकालने के बाद अब इसको आयरन करके सेट कर लें थोड़ा फूला फूला होगा इसका आयरन ख़राब हो जाता है तो इसको आयरन करके सेट कर लें फिर चारों साइड से सिलाई लगाकर सिक्योर कर लें जहां पे अस्तर में कट्स लगाए थे वहीं पे मेन फैब्रिक में भी कट लगाएंगे बीचों बीच और फिर उसमें देखिए डोरी को डाल लेंगे अब बीच से फोल्ड करके ध्यान से देखिए मैंने किस तरीके से इसमें सिलाई लगाया है बीच से एक बार फोल्ड की हूँ और आराम आराम से यहाँ पे सिलाई लगाना है सिलाई देखिए तिरछी लगाना है और जो बीच में होल किया था हमने उसको भी फिक्स करना है तो ये थोड़ा ट्रिकी होता है ज्यादा नहीं बस थोड़ा सा आराम से करेंगे तो ये हो जाएगा एक तरफ से जैसे हमने किया उसी तरीके से वापस से फ्लिप करेंगे दो बार ही हमें सिलाई लगाना एक बार बीच से फोल्ड करके जैसे हमने लगाया और वापस से दूसरे साइड से फोल्ड करेंगे और सेम तरीके से तिरछी सिलाई हम लगा देंगे वीडियो में देखते जाइए मैंने किस तरीके से सिलाई लगाया है मैंने किस तरीके से फ्लिप किया है बस इतना ही करना है और ये हमारा प्यारा सा लटकन बन के रेडी हो जाएगा देखिए ये सिलाई हमारा कंप्लीट हो गया हमने जो एक्स्ट्रा धागे थे वो निकाल दिए और ये देखिए हमारा बन गया अब अंदर साइड में क्या है हमारा थोड़ा सा फैब्रिक उठा उठा रहेगा उसको हम फैब्रिक गम की सहायता से सिक्योर कर देंगे बस हो गया हमारा ये लटकन बन के रेडी तो बताइए कैसी लगी आप सब को ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर से करें और हाँ अपने फैमिली फ्रेंड सभी के साथ शेयर करें चलिए आज के लिए इतना ही बाय बाय टेक केयर हैव अ गुड डे थैंक यू फॉर वॉचिंग